हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा लेसन, सेकंड लेसन देने जा रहा हूँ माउथ ऑर्गन का। पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि सरगम यानी कि सारे गम कैसे बजाना है आपको 24 होल्स के माउथ ऑर्गन पे और 10 होल्स के माउथ ऑर्गन पे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपने उसे देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माउथ ऑर्गन पकड़ने का करेक्ट वे क्या है ताकि आप एक बेटर साउंड ला सकें, ठीक है? वैसे तो आप किसी भी तरह से माउथ ऑर्गन को पकड़ के बजा सकते हैं, आवाज़ निकलेगी फूकने पर और खींचने पर, लेकिन एक आइडियल मेथड होता है, एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आपको बहुत ही अच्छा आवाज़ आप निकाल पाएंगे माउथ ऑर्गन पे, ठीक है? तो माउथ ऑर्गन पकड़ने का बेस्ट पोजिशन क्या है जिससे आप जब फूकें तो एक मधुर आवाज़ निकले, जब आप खींचें तो भी एक स्पेशल एक आवाज़ निकले, ठीक है? तो बेस्ट वे ऑफ होल्डिंग अ माउथ ऑर्गन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो माउथ ऑर्गन होल्ड करने का फ्रेंड्स बेस्ट ये है, आप पहले इस तरह का शेप बनाएं, ठीक है? ये आपके अंगूठे में और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसमें ये इस तरह का ये गैप होना चाहिए, ठीक है? इस तरह का, ठीक है? अब यही शेप को आप लेके माउथ ऑर्गन के इस पोर्शन पे आप इस तरह से रख लीजिए, ठीक है? वही शेप जो मैंने शेप बनाया था। तो देखिए अंगूठा आपका नीचे इस तरह रहेगा और ऊपर का जो है ये फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, मैंने फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर और ये जो पिंकी फिंगर है ये इस तरह का पोजिशन रहेगा, ठीक है? ये अब इस हाथ के जो पाम है, ठीक है, आपका जो हथेली है इससे आप इस तरह का शेप बनाएं, ठीक है? इस तरह का, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा आप गड्ढा की तरह बना लें अंदर। ये जो शेप आपने बनाया है अब इस शेप को यहाँ पे ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में रख के इसे कवर कर लें, ठीक है? यस, अब देखिए ये पोजिशन आपका, ठीक है? ये पोजिशन में आपको होल्ड करना है माउथ ऑर्गन को, ठीक है? ये है एकदम आइडियल पोजिशन। तो पहले आपने ऐसे पकड़ लिया, फिर इस हाथ को आपने इस तरह का शेप बना लिया और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है? अब जब आप बजाएं तो इसे इस हाथ को आप बीच में इस तरह से खोलें और बंद करें, ठीक है? जब आप खोलेंगे तो क्या होता है, यहाँ से जो आप फूंक रहे हैं इसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो साउंड निकलता है वो यहाँ से पास हो जा रहा है, और जब आप बंद कर देते हैं तो वो वहाँ पे बंद हो जा रहा है, ठीक है? तो खोलने से, बंद करने से, खोलने से, बंद करने से एक स्पेशल इफेक्ट आता है और साउंड में एक एक मतलब अजीब सी क्वालिटी आती है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो इस तरह से वैसे तो आप देखिए ऐसे भी बजा सकते हैं, मैं एक हाथ से भी इसे बजा सकता हूं, देखिए आप भी बजा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप, अगर आपके पास ये चेंजर वाला है, ये टावर वाला है या फिर सुजुकी का है, तो सेम उसी तरह से आपको पकड़ना है। इस तरह का शेप बना लिया आपने और इस तरह से आपने इसे बंद कर लिया, पकड़ लिया और इस हाथ से आपने इस तरह से बंद कर लिया, ठीक है? अब देखिए जब मैं इसे बंद करके जब फूंक रहा हूँ ये आवाज़ निकल रही है, और फिर जब मैं इसे इस तरह से हिलाता हूँ देखिए किस तरह से आवाज़ चेंज होती है, ठीक है? ठीक है, आपको पता चला साउंड का डिफरेंस, देखिए फिर से बताता हूँ, ठीक है? तो देखिए ये विदाउट मैं वाइब्रेटिंग इफेक्ट बजाता हूं, देखिए बजेगा लेकिन वो स्पेशल इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, आप ये देखिए इफेक्ट देने के बाद ये सेम गाना,
ठीक है, तो इसका क्वालिटी देखिए अपने आप कितना बढ़ जाता है, ठीक है, साउंड भी कितना मधुर आता है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो जब भी आप माउथ ऑर्गन बजाएं फ्रेंड्स, हमेशा आप करेक्ट वे में पकड़ें, ठीक है, हमेशा आप इस तरह से शेप बना लें, ये जो शेप है इस शेप में माउथ ऑर्गन को इस तरह घुसा लें और इससे आप इसे बंद कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप बीच बीच में, इतना फास्ट तो पहले नहीं हो पाएगा, आप पहले धीरे धीरे से, आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, ताकि आपका ये हैबिट फॉर्म हो जाए। क्योंकि आप शुरू में अगर ये हैबिट फॉर्म नहीं करेंगे तो बाद में आप जब गाना सीख जाएंगे फ्रेंड्स, तब आप जो गाना बजाएंगे तो आप बजा लेंगे लेकिन वो स्पेशल इफेक्ट नहीं आएगा, सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी से आप इस हैबिट को कीजिए, जब आप सारे गमा बजा रहे हैं तभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा करेक्ट वे में माउथ ऑर्गन पकड़ के शुरुआत से ही आप इसे एकदम करेक्ट वे में बजाएं, तो बाद में आपका ये हैबिट बन जाएगा और आप बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बाद में बन जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ भी पूछना है मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई दूंगा। टिल द नेक्स्ट लेसन, थर्ड लेसन जल्द बनाऊंगा, आप उसे देखते रहिएगा, ठीक है, बाय बाय।